हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ मिनी व्हीकल सीरीज। अरे हाँ फ्रेंकी, भी हमारे पास 69 हो गई। अबे 69 मतलब? अरे 69 व्हीकल्स यार, क्या सोचते हो? अबे मैं तो कुछ और समझ रहा था। चलो गाइस, 69 व्हीकल्स हो गई है। आज हम लोग 70 के चक्कर में हैं। अरे चक्कर में मतलब? अबे 70 कार की खोज में। जी गाइस, सुबह सुबह लेस्टर का कॉल आया है कि भाई एक बस चैलेंज कंप्लीट करना है, ऑफ रोडिंग करानी है एक बस की। अगर हम लोग भाई साहब एक जगह से दूसरी जगह उस वाले बस को लेके चले जाते हैं तो हम लोगों को वो ब्रांड न्यू 50 लाख की बस मिलेगी। एंट्री फीस सिर्फ 5 लाख है। अरे क्या बात कर रहे हो? अबे ऐसा बताए कि वो कर रहा है अपनी बस का प्रमोशन करने के लिए। चलेगा क्या? अरे हाँ चलो चलते हैं। अबे हाँ यार गाइस, यार सबसे पहले आप लोग देखो चमचमाती हमारी राम मंदिर कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। अभी गाइस यार हम लोग एक और वीडियो लाएंगे, राम मंदिर बहुत ही प्यारी लगती है। एंड ये देखो मिनी केदारनाथ टेम्पल, उसके साथ ही ये केदारनाथ के बगल में मतलब ये सिद्धू पाजी की हवेली, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ताजमहल, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये रहा, इंडिया गेट ये रहा, ताजमहल ये रहा, और अपना ये प्यारा गोकुलधाम सोसाइटी। एंड ऊपर आपको पता है 69 व्हीकल्स के साथ मिनी पार्किंग एरिया में है। तो बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट का बोला है सिंचन। अरे बेसमेंट में पार्किंग एरिया? अबे हाँ यार, लेकिन यार कोई बढ़िया नहीं बताया मेरे को। बताओ कि ऐसी जगह से बेसमेंट के लिए बनाना चाहिए कि भाई नीचे हम लोग जा भी सके और बाहर से बाहर कार जाए, और एक भाई बढ़िया सा दरवाजा बना दे जिससे कार चोरी नहीं होगी। तो चलो भाई पहले चलते हैं बस वाले रेस में, मतलब रेस नहीं है, एक कॉम्पिटिशन है, एक चैलेंज है, उसको कम्प्लीट करेंगे तो 50 लाख की बस मिलेगी। आ जा। अरे तो चलो चलते हैं। अबे यार इसका तो क्या ही बोलूं, देखो यार टट्टी कर रहा है रास्ते में। अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले थे ना, इसको पता चल जाता है कि ये मैं आ रहा हूँ। भाई क्या यार? अरे कलुआ मेरे को पता था इधर से तू जाएगा, मेरी बदबू लेके जाना। अबे यार छोड़ यार, क्या ही बोलूं। चलो गाइस चलते हैं फटाफट से। अरे कहाँ पे? अबे यार वहीं पे चैलेंज एक्सेप्ट। अबे ये बॉक्स किसका है? अरे पता नहीं। अबे ये बॉक्स कहाँ से आ गया? अरे यार पता नहीं। अबे रुक जा यार। अरे ये बॉक्स किसका है भाई, ये कहाँ से आया? अरे सॉरी सर, आपने पिछली बार वैगनार मंगाया था ना, उसी की बॉक्स यहीं रह गई है लगता है। अबे ये वैगनार की बॉक्स है भाई, मेरे को लगा नई वाली बॉक्स है कोई। ठीक है यार इसको हटा दे, ठीक है इसको फेंक देना कहीं पे, अब बॉक्स वगैरह की काम नहीं है। अरे ठीक है बॉस, आप कर दूंगा काम आपका कंप्लीट। अबे हाँ यार इसको हटा देना भाई, ये भी क्या ही बोलूं। और ऊपर देखो गाइस कितना प्यारा मिनी पार्किंग एरिया के ऊपर एक मिनी पेट्रोल पंप है, बहुत प्यारा लग रहा है। अरे यार ये बॉक्स मैंने ही सुबह लाया था। अबे कहाँ से? अरे आपने फेंका नहीं था ना। अबे यार ये भाई साहब हटा देना चाहिए था ना, ये पिछली बार वैगनार वाली अभी तक है। तो चलो गाइस यार हम लोगों को ऑफ रोडिंग करनी है आज बस की, उस वाले चैलेंज में भाई पार्टिसिपेट करना है। अगर हम लोग वो वाला चैलेंज कंप्लीट कर लेते हैं तो गाइस हम लोगों को मिलेगी 50 लाख रुपए की एक चमचमाती बस, और 5 लाख एंट्री फी है आपको मैं बता देता हूँ। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं उस वाले रेस में, भाई मजा आएगा सिंचन। अरे लेस्टर ने बताया ना आपको? अबे हाँ लेस्टर ने ही मेरे को बताया था। गाइस यार बहुत बढ़िया वाला सीन हो जाएगा, हम लोगों के पास दो दो बस हो जाएगी, वो भी मिनी वाली बहुत प्यारी वाली। एक तो व्हाइट कलर की है ना, ये पता नहीं कौन सी कलर की होगी। अरे हम लोग अलग यूनिक कलर बनवाएंगे। हाँ भाई कुछ यूनिक बनवाएंगे। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं सिंचन, अगर वो बस वाला रेस जीत जाते हैं ना, रेस नहीं है मतलब एक चैलेंज है। अरे हाँ वही हाँ, अगर वो जीत जाते हैं तो हम लोगों को वो बस मिल जाएगी। अरे चलो तो देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। हाँ भाई देखते हैं। गाइस यार इधर ही तो कहीं मिला था। अरे इस पानी में तो नहीं? अबे यहाँ पे तो लोग भाई साहब पिकनिक मनाने आए हैं। अरे बहुत सारे लोग हैं। हाँ भाई देख ही सकते हो गाइस कितने सारे लोग पिकनिक मनाने आए हैं, ये स्पॉट काफी बढ़िया जगह है। अरे पिकनिक मनाने के लिए ना? हाँ भाई देख आग वगैरह जला के रखे, अबे मछलियां भी मार के रखी है ये देख। अरे कितनी है? अबे पूरा का पूरा भरा हुआ है गाइस, देख सकते हो यहाँ पे आप लोग कितने सारा बड़ा समुंदर है। और गाइस आप लोग बताना कि ये कैसा लगता है, और भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे यहाँ फ्रेंकी भी है, काफी बढ़िया लग रहा है। अबे यार चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे। अरे इससे पूछता हूँ, अरे भाई एक दिन में कितने मछलियाँ मार लेते हो? अरे माँ तो एक दिन में करीब 5 लाख मछलियाँ मार लेता हूँ। पागल वागल है क्या भाई, 5 लाख बोल रहा है? अरे ध्यान से सुनो। अबे कितने मारता है ये तो बता।
अरे इसमें सोने की मछलियां भी मिलती है ना, एक दो मिल जाती है तो 5 लाख 6 लाख में बेच देता हूँ। अबे सोने की मछलियां। अरे फैंकी भैया क्या बात कर रहे हो। अबे हाँ इसने बोला तो। गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, भाई साहब इसमें बोल रहा है कि ये सोने का मछलियां भाई यहाँ पे मिलती है। भाई एक बार हम भी आया करेंगे। अरे पहले जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं ना। हाँ भाई पहले जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोगों को। भाई साहब एक काम करना है, इधर ही कलेस्टर ने लोकेशन दिया है, यहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा है तो वहीं पे जाना है। आजा। अरे आ रहा हूँ। हाँ गाइस चलो चलते हैं, देखते हैं चलते हैं भाई साहब कौन सा कंपटीशन हो रहा है और कौन सा नहीं, मेरे को तो पार्टिसिपेट करना है। अरे आप बस चला तो लोगे ना। अबे मैं प्रो राइडर हूँ, मेरे को भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं तेरे को चला के दिखाऊंगा ना। चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कैसे क्या होता है। ओहो यही वाला बस है क्या? अरे हाँ फ्रेंकी भी लग तो रहा है। अबे यहाँ पे लगाते हैं। एंड गाइस यार भाई साहब चलो यहाँ पे ये वाली बस को भाई साहब ऑफ रोडिंग करा के ले जाना है, बहुत खतरनाक वाला। ठीक है यार मैं तो आ गया। हेलो भाई साहब मेरा नाम नोटिस है ना। अरे आप इतने लेट क्यों है, आज चलो चलो लाइन में लग जाओ, तीसरे नंबर पे हो आप। अबे तीसरे नंबर पे हूँ, चलो कोई बात नहीं। वैसे रेस स्टार्ट कब होगी? अरे अभी के अभी स्टार्ट होने वाली है, जल्दी जाओ, फर्स्ट कॉन्स्टेंट आएगा पहले। अबे फर्स्ट नंबर वाला प्लेयर आएगा। ठीक है यार पहला जो होगा ना वही आएगा, है ना। अरे हाँ ठीक है फ्रेंकी भी आप तीसरे नंबर पे हो ना। अबे हाँ यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ। हेलो बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट आए हैं, सबसे पहले आप लोग जाओगे, सबसे पहले आप जाओगे, उसके बाद मिस्टर आप मोटेलाल और फिर फ्रैंकलिन जाएगा। तो तीन बंदे आए हैं इस वाले ऑफ रोडिंग की बस को, जो पार करा देगा और उस वाले हाईवे तक चला जाएगा वो उस बस को ले जा सकता है। तुम लोगों ने एक भाई एंट्री फी 5 लाख दिए हैं, चलो स्टार्ट करो, देखते हैं कौन लेके जाता है। चलो सबसे पहले तुम्हारी बारी आती है, स्टार्ट करो ब्रो तुम। और क्या बात है मेरी बारी, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। अबे सिंचन ये तो पूरा का पूरा मस्त बोल रहा है मैं कर लूंगा। अरे फेंकी भी है, कुछ नहीं होगा, देखना आगे जाके गिर जाएगा। अबे देखते हैं गाइस क्या होता है, ये तो आराम से जा रहा है सिंचन। अरे बस देखते जाओ क्या होता है। अबे यार भाई साहब रास्ता काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट यार मेरे को तो बस चलाने आती है। ओ भाई ये तो प्रो राइडर निकला। अरे देखते जाओ कुछ नहीं कर पाएगा, बस 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 देखना आगे जाके कहीं पलटी मारेगा, ये देखो। अबे यार इसने तो पलटी मार दिया भाई, ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे हाँ फ्रेंकी भैया अब इसकी वाट खत्म। अबे हाँ यार ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया गाइस, यहीं पे बस पलटी नहीं खानी चाहिए थी। हैला उससे तो कुछ नहीं हुआ, मैं कर दूंगा, मैं तो प्रो राइडर हूँ, बहुत बढ़िया वाला 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं हूँ मोटेलाल। अबे देखो मैं करता हूँ। अबे सिंचन क्या करेगा ये? अरे यार ये तो एक्सपीरियंस वाला लगता है। अबे कुछ नहीं होगा, ये भाई साहब बोल रहा है 20 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होगा इससे। अरे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अबे हाँ देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। अबे 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 पलटी गई, पलट गई। अरे कहाँ पलट रही है? अबे लग तो रहा था कि पलटी खाएगी बट पलट नहीं रही है। गाइस यार ये तो भाई लग रहा है 20 सालों से ये ड्राइविंग करता है, वो भी ऑफ रोडिंग बस वाला। भाई देख रहा है सिंचन कितनी बढ़िया तरीके से ले जा रहा है। अरे देखना आगे जाके पलटी मत खा ले। अबे ये तो पूरा क्रॉस कर गया, ये ब्रिज भी आने वाला है। अरे देखना देखना। अबे क्या देखूं सिंचन, लगता है ये बस ले जाएगा, मैंने तेरे से पहले बोला था पहले आते हम लोग और बस ले जाते। अरे कुछ नहीं होगा, अभी बहुत लंबा जाना है। अबे क्या ही लंबा जाना, ये देख। अबे 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 ये क्या हो गया? अरे मैंने बोला था ना इससे भी नहीं होगा, देखो इसने क्या किया। अबे यार भाई इसकी भी बस पलट गई, भाई ये तो कहाँ गिर रहा है? अरे देखना पानी में गिराएगा, ये पागल कहीं का, 20 साल का यही एक्सपीरियंस था, इसको ब्रेक लगा लगा के जाना चाहिए था। अबे हाँ यार देखो गाइस यार ये तो पानी में गिरा डाला बस को, भाई पूरा का पूरा बस देखो पानी के बीचों बीच फंस गया है। अबे सिंचन ये मोटे मल से भी कुछ नहीं हुआ, 20 साल का एक्सपीरियंस पानी में चला गया। अरे यार आपने तो बस चलाया ही नहीं है कभी। अबे ऐसा नहीं है भाई, बस चला के हम लोग कर पाएंगे। गाइस यार ये बस तो काफी बड़ी है, आप लोग बताना कि हम लोग क्या कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाएंगे, चलो 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 गाइस अगर हम लोग भाई फेल हो गए तो ऐसे भाई 5 लाख तो जाएगा
चला जाएगा, उसके साथ ये बस भी जाएगी गाइस, देख सकते हो। सिंचन, अरे हाँ चलाओ, मैं आराम से बैठ गया सीट पकड़ के। बेल्ट वेल्ट लगा लेना भाई साहब। क्या लगता है भाई, ये काफी खतरनाक वाला हम लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए। और ये देखो पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं। अरे यार आराम से फ्रेंकी भैया। अबे मैं तो भैया आराम से चलाऊंगा, एकदम धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई वो पुल तक गया था। अगर भाई हम लोग पुल के इधर ही क्रैश कर जाते हैं ना, अरे तो क्या होगा? अबे वो भाई बस ना मोटे मल को मिल जाएगी। अरे वो मोटा वाला आदमी को? अबे हाँ, पुल के उस पार जाना है काफी दूर तक, क्योंकि उसने पुल भी पार कर लिया था, तो वो पुल पहला चेक पॉइंट है ना। अरे यार चलो, आप पार कर जाओगे, और पार करके डायरेक्ट हम लोग कहाँ चलेंगे? अबे पार करके डायरेक्ट बेनी के गैराज में चलेंगे इसको मिनी बनाने के लिए। ओ भाई सिंचन सिंचन। अरे आराम से फ्रेंकी भैया, आ गए आ गए। अबे यार थोड़ा सा अगर ब्रेक नहीं लगाता ना, तो ये पत्थर के साथ में नीचे चला जाता। गाइस काफी ज्यादा रिस्की था, हम लोगों ने क्रॉस करा दिया। अब बारी है थोड़ा सा और भाई जाने की आगे, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला काम कर रहे हैं हम लोग। अरे यार चलो, मोटे मल यहीं से गिरा था आराम से ब्रेक लगा लगा के। हाँ भाई मैं तो ब्रेक लगा लगा के जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। ये देखो गाइस, यहीं से वो बंदा ना पूरा स्पीड में लेके, अगर उसने ये ऐसा काटा नहीं था, वो देखो ऊपर से ट्रेन भी जा रही है, उसने ऐसे काट के नहीं गया था, तो इसलिए भाई उसको प्रॉब्लम आ गई थी। बट यार हम लोग आराम से जाएंगे, क्योंकि हम लोग भाई साहब इस वाले बस को ले जाना चाहते हैं कहाँ पे? अरे बेनी बनाए, बेनी को देने के लिए। बेनी को देने के लिए क्या करने के लिए? अरे मिनी बनाने के लिए। गाइस यार अभी ना हम लोग भाई हारेंगे भी ना, तो भाई ये बस हम लोगों की ही होगी। अरे ऐसे कैसे? अबे क्योंकि हम लोगों ने वो चेक पॉइंट पार कर लिया है, कहीं गिर न जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, गिरोगे तो क्या ही होगा। अबे यार भाई अगर हम लोग गिर जाएंगे ना, तो बस सिर्फ मिलेगी 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर हम लोग पूरा ये वाला चैलेंज कंप्लीट करके रनवे यानी कि हाईवे तक चल जाएंगे ना, तो 5 लाख रुपए के साथ ये बस भी मिल जाएगी। अरे ये बात है क्या? अबे हाँ यही बात है, इसलिए तो भाई आराम आराम से चला रहा हूँ, वरना इस वाले बस को सिर्फ लेना होता तो भाई दौड़ दौड़ के नहीं चलाता। अरे दौड़ दौड़ के कैसे चलाया जाता है बस को, ये तो मेरे को पता नहीं था। अबे बकायती मत कर। अबे ये कैसा रास्ता है आगे? अरे सही तो है। अबे काफी खतरनाक है यार, मेरे को तो काफी डर भी लग रहा है। गाइस देख ही सकते हो आप लोग कैसा ये रास्ता है, एंड बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला है। मेरे को गाइस काफी रिस्क हो रहा है। अरे अरे आराम से आराम से आराम से। अबे अबे गिरा नहीं है भाई, ऐसे पलट देता हूँ, कौन देखने आता है ना सिंचन? अरे हाँ कौन देखने आता है भाई साहब? हाँ यार। अरे यार उसने देख तो नहीं लिया होगा। अब कैसे देखेगा, हम लोग पूरा पलटी थोड़ी खाए थे उन लोगों की तरह भाई, खाई में गिर रहा। मैंने भाई संभाल लिया है, थोड़ा सा भाई झुकने वाला था और मैंने भाई निकाल लिया। वेल गाइस देख ही सकते हो हम लोगों का ये चैलेंज बस खत्म होने ही वाला है, एंड आप लोग बताना कि भाई हम लोग विनर है या नहीं। अभी तो ये शायद मेरे को लेके जानी है। अरे हाँ अब तो बस तो जानी पड़ेगी ना। अबे 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 ये पूरा का पूरा घुमावदार रास्ता था भाई, अगर हम लोग यहाँ से गिरते ना सीधा खाई में जाते। वो देखो वो सामने दिख रही है ना हाईवे? अरे हाँ वहीं पे जाना है भाई, देख सकते हो। अगर मैंने भाई अच्छे से नहीं काटा होता ना स्टेयरिंग को, तो भाई दिक्कत हो जाती। ये देखो भाई कितना ज्यादा ये रिस्क वाला एरिया है, एंड मैं आराम से चला रहा हूँ, आप लोग बताना गाइस। ये देखो भाई क्या रिस्क वाला एरिया है ये, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा रिस्क लग रहा है। अरे यहाँ पे आराम से देखना। अबे यहाँ पे ना थोड़ा सा रिस्की है, देखना नीचे की ओर जाना है भाई भाई भाई। अरे ब्रेक मत लगाओ, स्लिप हो रहा है चक्का। अबे थोड़ा पीछे कर लेता ना, तो मेरे को भाई काटने में दिक्कत नहीं होती। गाइस ये देखो भाई पूरा का पूरा, ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अरे कर लोगे पूरा स्टीयरिंग, काट लो काट लो। अबे यार मैंने काट लिया भाई, आप लोग बताना मेरे को भाई साहब चलाने आती है कि नहीं यार ये वाली बस। देखो यार ये तो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट कर लिया था लैस्टर के कहने पे। ओबे नहीं सिंचन। अरे 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 फ्रेंकी भैया आराम से आराम से आराम से। अब कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं बैक कर लूंगा, मैं बैक कर लूंगा। गाइस गाइस देख सकते हो आप लोग कितना खतरनाक है, मैं बैक कर रहा हूँ। वेल भाई देख ही सकते हो आप लोग, चलो चलो बैक हो गई बैक हो गई। अरे हो गई हो गई। हाँ भाई कैसे कैसे करके मैंने बैक किया है, वरना और चक्के स्लिप होते ना तो डायरेक्ट मैं नीचे चला जाता। चलो गाइस यार यहाँ से अब ज्यादा दूर नहीं है, एंड गाइस अब दूर नहीं है, इसलिए हम लोग हाईवे पे जाएंगे और भाई सब काम हो जाएगा। अरे इधर बहुत सारा खतरनाक एरिया है। अबे खतरनाक एरिया क्या है, भालू वालू रहते हैं क्या?
भाई देख रो घनघोर जंगल है भाई। चलो यार कोई बात नहीं, हम लोग तो हाईवे पे है ना। अरे हाँ बस आने ही वाला है हाईवे। हाँ भाई इसके ऊपर से बस वो देखो सामने ही गाइस हाईवे है। और भाई साहब फाइनली हम लोग ये रेस, भाई रेस नहीं है, अबे अबे नहीं 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 पलटी मत खाना यार, कितनी बार पलटी खाएगी, बचते बचाते हम लोग लेके आ गए। चलो गाइस ये वाली बस को हम लोग निकाल चुके हैं बहुत ही खतरनाक वाले रास्ते से। एंड गाइस यार आप लोगों को क्या ही बताओ सिंचन। अरे ड्रोन एंगल से रास्ता दिखाओगे क्या सबको? चलो भाई ड्रोन एंगल से आप लोगों को रास्ता दिखा देता हूँ, कितना ज्यादा डिफिकल्ट ये रास्ता था यहाँ से। चलो भाई ड्रोन उड़ाते हैं। चलो गाइस ये देखो ये रास्ते से हम लोग होके आ रहे हैं, ये देखो भाई कितना खतरनाक वाले रास्ते से, ये देखो ऐसे पूरा का पूरा घुमावदार था रास्ता। एंड गाइस यार ऐसे ऐसे रास्ते से हम लोग होके आ रहे हैं कि क्या बताओ, ये पुल वाला रास्ता। एंड गाइस यार वहां पे वो बंदे से स्टार्ट किया था, इस वाले पुल से स्टार्ट किया था, ये दूसरा चेक पॉइंट था, और भी आगे जाते जाते हम लोग यहाँ तक आ गए। सिंचन अरे मैं बस में ही, चलो अब चलते हैं ना। अब कहाँ पे? अरे यार बेनी के गैराज में जाना भी तो है। अबे हाँ यार बेनी के गैराज में जाना भी है। चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं बेनी भैया क्या बोल रहे हैं इस वाले बस को देख के, क्या वो मिनी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अरे क्यों नहीं बनाएगा, बनाएगा ही बनाएगा। अबे हाँ बना देगा। चलो गाइस जल्दी जल्दी पहुंचते हैं इस वाले बस को लेके बेनी के गैराज में डायरेक्ट। एंड गाइस ये बस दूसरी बस होगी ना हमारी? अरे हाँ एक पहले से है हमारे पास। अबे हाँ यार एक पहले से है हमारे पास गाइस। ऐसे ये वाली बस देख के बेनी बोलेगा। अरे क्या बोलेगा? अबे इतनी बस कहाँ, इतनी बड़ी बस, वो भी डबल तल्ले वाली है ना। अरे नहीं सिंगल वाली है। अबे जो भी है इतनी बड़ी बस तेरे को कहाँ से मिल गई फ्रैंकलिन। तो चलो गाइस इसको लेके चलते हैं जल्दी से जल्दी। अबे 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 भाई पलटने वाली थी। अरे यार आपने उधर खतरनाक वाले रोड में संभाल लिया तो इधर क्या है? अबे हाँ यार इधर तो प्लेन रोड है, बढ़िया वाला रोड है भाई, यहाँ पे अच्छे से मक्खन की तरह मैं इस वाले बस को चला सकता हूँ भाई। बहुत ही बढ़िया वाली बस है सिंचन, कुछ भी बोल। अरे हाँ यार चलो पहले इसको मिनी तो बनवा लो। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन भाई बस कोई भी चला सकता है, आपको पता ही है भाई, बहुत खतरनाक वाले रास्ते में भी मैं बस चला सकता हूँ। तो चलो गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसको भाई लेके जाना है। अरे अंदर जाएगी? अबे क्यों नहीं जाएगी, आराम से जाएगी भाई, दिक्कत नहीं आने वाली। ओ भाई थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बट यार मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये गई भाई अंदर, यहाँ पे आ गई है बस, भाई देख ही सकते हो बस कैसे लगाई है मैंने, भाई देख ही सकते हो। चल भाई सिंचन। अरे बेनी कहाँ है? बेनी दिखाई नहीं, ऊपर ही होगा। चलो गाइस ऊपर ही होगा, बेनी को मैं बोल देता हूँ इसको मिनी बनाने के लिए। अबे बेनी। अरे ऊपर नहीं है क्या? अबे नहीं है यार, इधर बाथरूम वगैरह में गया है क्या भाई? ये तो दरवाजा पूरा लॉक है भाई, इधर से जाना है क्या भाई? ये भी लॉक है। अरे यार वो देखो सामने खड़ा है। अबे कहाँ पे? अरे वो सामने। अबे वहाँ क्या कर रहा है बेनी? भाई साहब मैं इसको ऊपर खोज रहा था और वो दूसरे वाले छत पे, भाई मैंने बस ना ऐसे लगाया, ये वाले जो ऊपर का एरिया है ना इसका लाइट लगी है इसमें, इसी के कारण ये बस पूरा बढ़िया से नहीं आ पाई है। बेनी नीचे आ जा भाई, तेरे से बात करनी है। बेनी यार ये बस लेके आया हूँ, इसको मिनी बना दोगे क्या, बढ़िया वाली? अरे फ्रैंकलिन इतनी बड़ी बस तुम मेरे गैराज में लेके आ गए, क्या बोलूँ मैं तुमसे। अबे यार बनाना है मिनी बस, क्या ही बोलूँ, जल्दी जल्दी मिनी बना दे। अरे मैं इस वाले कार पर वर्क कर रहा था, चलो मैं बना दूंगा। अबे कौन सी कार पे? ये वाली कार? भाई इसमें क्या दिक्कत हो गई, देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, बता बता। अरे क्या बताऊँ, चल ही नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसके चक्के वक्के चेंज कर दिए फिर भी नहीं हो रही है। अबे चक्के चेंज कर दिए, भाई क्या बोलूँ यार, ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई, कर देना भाई, कार ख़राब हुई है चक्के ठीक कर रहा है, पता नहीं क्या लॉजिक है इसका। वैसे गाइस ये वाली बस बहुत ही ज़्यादा VIP है एंड देख सकते हो कितनी ज़्यादा बड़ी भी है। अभी इसको ये मिनी करके लाएगा, मेरे को नहीं पता ये कैसे बना के लाएगा। अरे कर देगा बहुत प्यारा वाला। अबे हाँ चलो चलते हैं घर पे। एंड गाइस एक और बस आ जाएगी, इसको लगाएंगे कहाँ, और भाई आप लोग बताना अबे आज कैसे जाना है। अरे मतलब? अबे ये ट्रक से तो मैं नहीं जाने वाला। अरे तो कैसे जाओगे? अबे ये रही है ना भाई, ये भी तो काफ़ी बढ़िया वाली है, देख ही सकते हो गाइस। चलो इससे ही चलते हैं, इसको मैंने फोड़ा और आजा सिंचन। अरे यार दूसरे की कार से? अबे क्या ही दिक्कत है यार,
मैं कोई भी कार स्टार्ट कर देता हूँ भाई, पीछे का शीशा वगैरह तोड़ के और तार वार को ऐठ बैठ के भाई स्टार्ट कर ही दे। अब यहाँ पे देख कितनी खतरनाक कार है। अरे इसी से चलो। हाँ भाई ये इसको छोड़ ये वाली काफी बढ़िया है। अरे उसके आगे भी है एक। अबे इसके आगे भी एक जीप है। वेल जीप को छोड़ो, ये वाली मस्टंग जीटी जैसी फील दे रही है, तो इसको ना आराम से चला सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, स्टार्ट करो। अबे हाँ चलो गाइस, देख सकते हो ये स्टार्ट हो गई है, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है यार। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं इसको लेके घर पे। एंड आज हम लोगों ने दिया है मिनी बस बनाने के लिए एक बस भाई, कैसे कैसे रास्ते से लेके हम लोग आए हैं आप लोगों ने गाइस देखा ही। अभी देखते हैं कि गाइस यार वो बस कैसी बन के आती है मिनी में। अरे रुको रुको रुको, क्या हो गया? अरे वो देखो भीख मांग रहा है पेप्सी के लिए। पेप्सी के लिए नहीं यार, ये दारू के लिए मांगता है। रुको मैं तेरे को दिखाता हूँ, ये देखो गाइस यार, बेट यू कैन हिट मी विथ अ क्वार्टर। अबे ये क्या बोल रहा है? अरे क्वार्टर। अबे दारू वारू ये पीता है ना, उसका बोल रहा है भाई, पता नहीं कौन कौन सा जोक मारते रहता है। रुक जा इसको बताता हूँ, पिएगा तू भाई? ये भाई बहुत नशेड़ी रहते हैं यार, ये लोग पी पी के ना पूरा घर बर्बाद कर देते हैं अपना और भाई रोड पे आ जाता है। ये देखो सारे लोग भागने लगे। अरे उसको मार दिया आपने। अबे ये नकली बंदूक से क्या ही मरेगा, वो दोबारा जी जाएगा फिर से पैड अपने ये लेके खड़ा रहेगा, वो जो लिख के पैड लेके खड़ा था। चलो गाइस ये हमेशा अलग अलग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। चलो चलते हैं। एंड गाइस यार मैं आपको बता दूं। अरे क्या बताओगे? अबे यहाँ पे ना एक नया बिल्डिंग बन के रेडी हो रहा है। अरे कौन सा? अबे रुक तेरे को दिखाता हूँ, आगे यहाँ पे नहीं है। अरे पीछे रह गया वो। क्या बात कर रहा है? अरे हाँ वो तो पीछे रह गया। अबे यार नहीं नहीं पीछे नहीं, ये वाली बिल्डिंग है। अरे कौन सी? अबे ये वाली बिल्डिंग मॉल बन रही है ना इसमें। अरे तो मेरे से क्या बोल रहे हो, हम लोगों को क्या जा रहा है? अबे ये मेरे दोस्त की है भाई, इस तेरे को तो बोल रहा हूँ। ये देख ये बड़ी सी बिल्डिंग बन के रेडी हो रही है। गाइज अगर आपको रेंट पे लेना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, हम लोग दिवा देंगे आपको कम पैसे में ही। अरे क्या बात है, मेरे को भी एक शॉप खोलना है उसमें। अबे क्या क्या? अरे मिनी कार बेच देंगे सब। अबे पागल पागल है क्या यार, इतनी मेहनत से हम लोगों ने 68 मिनी कार बनाई है, ये हमारी 69। अरे नहीं 69 नहीं 70। अबे हाँ हाँ 69 तो हमारी वो पिछली बार वाला एपिसोड में आ ही गई थी, 70 कार हो जाएगी। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं अपने घर पे एंड आप लोगों को दिखाते हैं। अरे क्या दिखाओगे, रुको रुको रुको। अबे अब क्या? अरे यहाँ से मेरे को पार्सल लेना था। अबे यार यहाँ से? अरे हाँ यहाँ से ही। भाई कौन सा पार्सल लेना है, चल आजा। अबे ये नहीं है, ये वाला पार्सल नहीं है, ये वाला ऐसा है। अरे क्या बात कर रहे हो? अबे हाँ ये है। अबे ये तो ऑफिस है फ्लिपकार्ट का गाइस, भाई यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो? अबे कोई नहीं, अंदर इतने सारे बॉक्सेस वगैरह पड़े हैं बट कोई है नहीं यार। अरे तो जाने दो, कोई बात नहीं। अबे बाहर क्यों, अंदर जाके देख ले भाई, फिर बोलेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे। देख भाई अंदर कोई नहीं है। अरे तो छोड़ दो, शाम में आके ले लूंगा। वैसे तूने ऑनलाइन ऑर्डर क्या किया था? अरे मैंने एक स्पीकर मंगाया है। अबे स्पीकर? अरे हाँ गाना सुनने के लिए। अबे कौन सा स्पीकर? अरे ब्लूटूथ वाला। अबे ईयरबड्स मंगाया है क्या? अरे हाँ ईयरबड्स। तो स्पीकर क्यों बोल रहा है, वो ईयरबड्स और स्पीकर में भाई डिफरेंट होता है, पागल पागल है क्या? चल चलते हैं गाइस, चलो यार जल्दी जल्दी निकलते हैं घर के लिए एंड काफी सारे काम भी करने हैं, आजा। अरे यार बेनी आ तो नहीं गया होगा? अबे तेरे इन सब भाई काम के चक्कर में यहीं पे रह गया मैं, आ भी गया होगा वो। चल यार भाई तेरे चलते इधर ही लेट हो गया। अरे यार तो उससे क्या, बेनी अभी आया नहीं होगा। अबे आके चला भी हो गया होगा, फ्लिपकार्ट के ऑफिस में इतना लेट हो गया, फिर उधर से हम लोगों ने स्लो कार वगैरह चलाई थी, तो भाई देख क्या ही होता है, वो तो भाई जल्दी जल्दी डिलीवरी भी कर देता है अब किसी भी कार का। अरे हाँ फ्रेंकी भी है यार, चलो जल्दी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अबे हाँ यार चल, हमारे घर पे तो वो गार्ड खड़ा है, वो देख ही लिया होगा, उसको दे दिया होगा, मतलब हैंड ओवर करके चला गया होगा। चल अबे ये देख सेम टू सेम। अरे हाँ कलर डिफरेंट है, येल्लो है व्हाइट है। हाँ भाई वैसे भी ये हमारी कार थोड़ी है। अरे हाँ चोरी की है आपने, चोरी की है। अबे ऐसा क्यों बोल रहा है भाई यार, मेरे को ऐसा मत बोल। अरे मतलब यार हम लोग लेके आए हैं फिर दे देंगे। अबे हाँ यार जिसका होगा वो आके ले जाएगा, उसका जीपीएस सिस्टम इसमें लगा होगा ना। चलो गाइस आ गए हैं यहाँ पे। अबे यार मैंने बोला था ना बेनी आके चला गया होगा, देखते हैं भाई बॉक्स तो यहीं पे है। अरे है क्या? अबे हाँ बॉक्स तो है गाइस, देख ही सकते हो यार, इससे बात करते हैं। अरे ब्रो यार बेनी आया था क्या, वो लेके क्या आया था? अरे सर क्या बोलूं मैं, आप छोड़ के चले जाते हो, बेनी भैया आए थे और दे के चले गए आपकी मिनी बस को सर। अबे यार मिनी बस लेके आ गया भाई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है हमारी चमचमाती कार, इसके अंदर
सिंचन। अरे ओपन करके दिखाओ सारे लोगों को मिनी बस कैसी है। अबे हाँ चलो अब ओपन करते हैं एंड देखते हैं गाइस इसमें से कैसी मिनी बॉक्स निकलती है। ओ भाई सिंचन बस तो काफी प्यारी है। अरे वैसी ही है ना जैसे पहली वाली थी। हाँ भाई वो उतनी ही साइज की है गाइस देख ही सकते हो सेम टू सेम कलर भी बनाया है। भाई साहब मजा आ गया देख के। आप लोग बताना कि ये वाली भाई बस कैसी लगी आप लोगों को। अरे यार अब चलो इसको कनेक्ट करो। भाई क्या लिखा है पूमा लिखा है भाई पूमा और भाई ग्रुप का है बहुत ही बढ़िया वाला। और भाई साहब गाइस देख ही सकते हो आप लोग कैसी ये बस है। चलो गाइस इसको कनेक्ट करते हैं अपने ब्लूटूथ से क्योंकि ये है बहुत ही 5 स्टार वाली बस। चलो चला के दिखाते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप लोगों को। चलो भाई कनेक्ट हो गई है। अरे हाँ फ्रेंकी भी है। अबे हाँ हेडलाइट भी जल रही है देख कितनी प्यारी है। अरे रात में मस्त चलेगी। अबे अंदर भी जल रही है ऐसा नहीं है गाइस देखो अंदर ब्लू वाली लाइट जल रही है। भाई रात के टाइम में ये तो खतरनाक लगेगी। भाई देख रहे हो आप लोग कितनी ज्यादा ब्लू वाली लाइट जल रही है। ये देखो गाइस ये देखो चारों तरफ से भाई लाइट ही लाइट है। मजा आ गया इस वाले बस को देख के। एंड ये देखो गाइस कितनी ज्यादा प्यारी ये वाली बस है आप लोग बताना। ये देखो रोड पे कैसी भाग रही है। अरे मस्त एकदम बहुत बढ़िया वाली। हाँ भाई काफी भयंकर तरीके से चल रही है। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वाली बस कैसी लगी क्योंकि ये वाली बस भाई पूमा ट्रैवल्स की है भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली। एंड गाइस यार ये तो बस कहाँ लगेगी। अरे ऊपर तो जगह ही नहीं है भाई। ऊपर जगह नहीं है तो बड़े बड़े भाई जो चीजें है ना भाई ट्रैवल वाली वहीं पे लगेगी। एंड गाइस यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग कितनी ज्यादा ये प्यारी बस है। चलो इसको लगाते हैं। अरे कहाँ पे मिनी पार्किंग एरिया में। यार तू भूल जाता है क्या। अरे हाँ मैं तो भूल गया था। अबे भूलता क्या है। चलो गाइस इसको लगाते हैं मिनी पार्किंग एरिया में क्योंकि ये बस बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग 2 फ्लोर वाली 3 फ्लोर वाली हर तरह की डिफरेंट तरह की बसेस वगैरह लेके आएंगे। तो चलो पहले इसको लगाते हैं और भाई साहब आप लोगों को दिखाते हैं कि ये वाली बस कैसी लगती है ऊपर। अरे लगाओगे कहाँ जगह है क्या। अबे जगह बहुत सारे है यार तू जगह का छोड़ देख कैसे चल रही है। अरे ये चढ़ पाएगी। क्यों नहीं जाएगी रुक जा भाई ये तो रुक गई यार थोड़ा सा स्पीड तेज करके जाना पड़ेगा। अरे तू करो ना जो करना है करो। अबे हाँ हाँ स्पीड थोड़ा सा स्पीड तेज चढ़ गई। हाँ गाइस चढ़ गई है। चलो भाई आराम से चढ़ गई है कोई दिक्कत नहीं हुई है। एंड यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा काट लिया मैंने। ये देखो गाइस बस की बात देखो एक बार बस गाइस काफी प्यारी है। अरे लगाओगे कहाँ। अबे लगाएंगे ना भाई ऊपर तो जा नहीं पाएगी ऊपर स्पेस ही नहीं है कि ऊपर लगा पाएंगे। वेल गाइस कोई दिक्कत नहीं है बस को लगाएंगे हम लोग यहीं पे। एंड गाइस देखो यार बस कितनी ज्यादा प्यारी और मिनी बस बोलो यार मिनी बस कितनी प्यारी बन के आई है। चलो गाइस इसको यहाँ पे लगा देते हैं देख लो गाइस कितनी ज्यादा प्यारी है ये वाली बस। चलो भाई सब अब दिखाते हैं भाई 70 कार की कलेक्शन है ना सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकी भी है पूरे के पूरे 70 हो गई। गाइस यार चलो आप लोगों को भाई दिखाना पड़ेगा ये लगता है सबसे बड़ी बस होगी क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी थी देख रहे हो पिछली बार वाला सीट उसके नीचे थे एंड इसके थोड़े ऊपर है क्योंकि नीचे ना लगेज वगैरह का दिया गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो गाइस यहाँ पे बाइक्स हो गई बस वगैरह भी आनी चालू हो गई है काफ़ी सारी। एंड भाई आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं इतनी सारी कलेक्शन हो गई है ना हमारे पास कि आप लोगों को क्या ही बताऊं मैं। चलो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा कलेक्शन है गाइस देख ही रहो बहुत ही बढ़िया वाला। तो चलो भाई साहब यहां पे देखो ये वाली भाई एक बहुत ही खतरनाक है कैंपर है। एंड ये देखो बस मैंने बोला था ना उस वाले बस में ना नीचे का लगेज का उतना नहीं है बट ये थोड़ा सा बड़ा है नीचे वाला ये देखो मेरे कंधे तक आ रहा है वो थोड़ा सा बड़ा है। एंड यहाँ पे ये सारी की सारी भाई साहब चीज़ें अवेलेबल है देख सकते हो भाई यार यहाँ पे कितने सारे चीज़ें हैं भाई अलग अलग डिफरेंट तरह की कार्स बाइक्स भाई आप ना मजा करोगे देख के। अभी तो और खतरनाक लानी बाकी है। अरे अब कौन सी। अबे यार सोचेंगे भाई 70 हो गई 100 तो करके रहेंगे यार। अरे तब तो मजा आएगा। अबे हाँ यार बहुत ही ज्यादा मजा आएगा भाई। अब इंडियन कार बताओ यार कौन कौन सी लानी चाहिए यहाँ पे आप लोग देख लो कौन कौन सी है जो नहीं है वो लोग बताना वरना भाई काफी सारे लोग बोलते हैं कि ये भाई लाओ जो पहले से हम लोग ला के रखे हैं। आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखते हो इसीलिए आपको नहीं पता चलता है कि पहले से हम लोगों के पास कौन सी कार है। अगर पहले से पता रहता है तो भाई आप लोग बोलते ही नहीं इसलिए भाई पूरा का पूरा कार देख लो हमारी पूरी की पूरी भाई
करीब हम लोगों ने भाई 70 से एवव वीडियो डाल दिए, सारी की सारी देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कार है कौन कौन सी कार नहीं है। तो चलो ये वाली कार में हम लोगों ने इस वाले एपिसोड में तो लाया, बस थोड़ी बड़ी कर दी थी उसको तो और बजाया। चलो आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा अभी कौन कौन सी आनी बाकी है।